नमस्कार, मेट्रोलॉजी की क्लास है। आज से मेट्रोलॉजी शुरू करते हैं। एक्चुअल में डीजीसी एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको मेट्रोलॉजी, एयर नेविगेशन, एयर रेगुलेशन और टेक्निकल, ये पेपर्स आपको क्लियर करने होते हैं, तब जाके आपका डीजीसी का एग्जाम क्लियर होता है। मेट्रोलॉजी भी उसमें से एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसका नॉलेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आपको हर समय काम आता है जब आप फ्लाई करते हैं। तो जितनी ज़्यादा नॉलेज आपको वेदर के बारे में रहेगी, मौसम के बारे में रहेगी, उतना ही अच्छा रहेगा। और वेदर जो होता है वो अनप्रडिक्टिव होता है। कहीं आप जा रहे हैं फ्लाइंग पे, अच्छा वेदर है, थोड़ा दूर गए, वेदर ख़राब हो गया, तो इस तरीके से वेदर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेट्रोलॉजी एक सब्जेक्ट है हमारा। मेट्रोलॉजी क्या है? व्हाट इज मेट्रोलॉजी? तो द स्टडी ऑफ द अर्थ एटमोसफियर इज कॉल्ड मेट्रोलॉजी। व्हेन यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एटमोसफियर, दैट टाइम यू लर्न अबाउट मेट्रोलॉजी। एंड व्हाट इज द एटमोसफियर? द गैसेस एंड वेदर सराउंडिंग द अर्थ इज रिफर्ड एज एटमोसफियर एंड इट इज हेल्ड टू द अर्थ बिकॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस गैसेस एनवेलप मूव्स विद द रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो इसका कहने का मतलब यह है कि हमारे चारों तरफ जो गैसीय एनवेलप है, जो एक वातावरण है जिसमें गैसेस हैं, सारी की सारी गैसेस हैं, वाटर हैं, फ्लूइड हैं, सारी चीज़ें हैं, वही एटमॉस्फेयर है। एंड इट इज हेल्ड टू द अर्थ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो एटमॉस्फेयर इज ऑलवेज अटैच टू द अर्थ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो इट इज ऑलवेज अटैच टू द अर्थ। ये हमेशा धरती के चारों तरफ अटैच होता है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है अर्थ की, वो हमेशा इसको जोड़े रखती है अपने आप से। सो दिस गैसेस एनवेलप मूव्स विद द रोटेशन ऑफ द अर्थ। जैसे जैसे अर्थ मूव करती है, साथ में एटमॉस्फेयर भी मूव करता है। और इसीलिए एटमॉस्फेयर की स्टडी हमको करने की ज़रूरत पड़ती है। सो दैट स्टडी ऑफ द मेट्रोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट फॉर पायलट्स बिकॉज द एटमोसफियर इज द मीडियम थ्रू विच द एयरक्राफ्ट फ्लाई और मूव्स। जैसे आपको चलने के लिए जमीन चाहिए, कार को चलने के लिए सड़क चाहिए, हर आदमी को, हर एवरीथिंग को चलने के लिए स्पेसिफिक मीडियम चाहिए जिसमें वो चल सके। तो इसी तरीके से जो एयरक्राफ्ट होता है, उसको भी अपना स्पेसिफिक मीडियम चाहिए जिसमें वो ट्रेवल कर सके। तो एटमॉस्फेयर जो है वो एयरक्राफ्ट का जो है स्पेसिफिक मीडियम है जिसमें वो ट्रेवल करता है। वेयर द एयरक्राफ्ट फ्लाइट दैट्स द एटमॉस्फेयर। एंड सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो व्हाट कंडीशंस आर प्रेजेंट अलोंग ए रूट एंड नॉलेज ऑफ द प्रोसेस इन विच वेदर फॉर्म्स इज यूजफुल फॉर प्रिडिक्टिंग व्हाट कंडीशंस मे अकर ड्यूरिंग ए फ्लाइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू नो। आपको पता होना चाहिए जिस रूट पे आप जा रहे हैं वेदर कैसा है, आगे वेदर कैसा होगा और किस तरीके का वेदर है, विच फॉर्म ऑफ द वेदर। द वेदर फॉर्म इज यूजफुल फॉर प्रिडिक्टिंग what condition may occur during your flight. So if you know the weather forms along your route, you can predict that what kind of the weather you will encounter during your flight or how will be your flight. Because when you start your pilot training, you have to get the knowledge regarding the meteorology and everything. Rest of that when we start a cross-country flight. So during the cross-country flight, you start to travel from one airport to another airport, and suppose it's 120 nautical mile or like that, आप जा रहे हैं जो कि 120 nautical mile out of station है। So you have to be prepared for 120 nautical miles regarding the weather. How will be the weather and how I have to plan my flight? I have to fly in mountainous regions, I have to fly coastal region, or I have to divert my route.
सो दैट टाइम यू हैव टू मेक ए प्लान हाउ विल यू फ्लाई सो दैट यू कैन प्रिडिक्ट द वेदर ड्यूरिंग योर फ्लाइट यू कैन प्रिडिक्ट इट ओके एंड दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एटमोस्फियर सो द एटमोस्फियर एक्ट्स एज ए फ्लूइड इट इज पुअर इट्स ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट and only support life in the lower layers. So atmosphere की ये property है atmosphere एक fluid है fluid का मतलब वो है कि इसमें gas भी है water भी है other things भी हैं and it's a poor conductor of heat. Atmosphere जो होता है वो heat का बहुत poor conductor होता है and only support life in the lower layers. और जो atmosphere की सबसे निचली सतह होती है जो lower level होता है उसी में ही है लाइफ को सपोर्ट करता है जैसे जैसे आप लेवल्स को क्रॉस करते जाएंगे ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर आपको फिर ऊपर लाइट नहीं मिलेगी ये अर्थ की प्रॉपर्टी है मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगा जो मैंने पढ़ाया है आगे भी ऐसे ही मैं आपको पढ़ाता रहूँगा जिससे कि आप अपना DGCA का एग्जाम क्लियर कर पाएँ और मैं इस तरीके से पढ़ाऊँगा आपको कि जिसमें ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाए आप पढ़ते भी रहेंगे आपको पता भी रहेगा और आप अपना एग्जाम भी क्लियर करेंगे तो ये लाइफ लॉन्ग रहेगा आपके लिए थैंक यू सो मच